बीजेपी से सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के बड़े चचेरे भाई पूर्व सभासद सुधांशु दत्त द्विवेदी ने अपना पर्चा वापस ले लिया। पार्टी उनकी सेवाओं को देखते हुए विशेष निर्णय ले। पर्चा वापस करने के लिए सुधांशु के प्रस्ताव विनोद पुत्र ईश्वर दयाल के साथ खुद श्रीकांत पाठक व दिलीप भारद्वाज गए। माना जा रहा है कि सुधांशु का पर्चा वापस होने से बीजेपी नगर पालिका फरुखाबाद की अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मिथिलेश अग्रवाल को काफी राहत मिलेगी। आपको बताते चले, भाजपा के सदर नगर पालिका से मिथिलेश अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके विरोध में सुधांशु दत्त द्विवेदी ने टिकट नहीं मिलने से नाराज अपना पर्चा दाखिल कर दिया था। फरुखाबाद नगर पालिका से निर्दलीय प्रत्याशी सुधांशु दत्त द्विवेदी, कपड़ा व्यापारी किशन कन्हैया सक्सेना व आबा सिंह ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। अब कुल प्रत्याशी 14 सदर क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में तैयार है। वहीं नगर पंचायत मोहम्मदाबाद से राहुल कुमार ने अपना पर्चा वापस कर लिया। मोहम्मदाबाद से कुल 23 प्रत्याशी थे, जिसमें से एक पर्चा निरस्त हो जाने से 22 ही रह गए। एक पर्चा वापस होने से कुल 21 प्रत्याशी मैदान में हैं। कमालगंज नगर पंचायत में कुल 16 प्रत्याशी ने अपना नामांकन कराया है। पर्चा वापस कराने के दौरान नीतू ने अपना पर्चा वापस ले लिया, जिससे अब 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। एक परिवार के वरिष्ठ सदस्य का है और इस जिले के जाने माने नेता अपने माननीय सुधांशु दत्त जी, उन्होंने पार्टी एक में अपना नामांकन वापस ले लिया है और स्थितियाँ बहुत अच्छी, निश्चित रूप से हम लोग यहाँ जीते हैं। कोई प्रलोभन दिया गया, कोई और कोई वादा किया गया? ऐसे लोगों के बारे में प्रलोभन की बात करना ये तो बहुत अन्याय की बात है। कोई वादा किया गया कुछ? कोई वादा नहीं, जो उनका कहना था ऊपर के नेताओं से बात हुई है और कोई दिक्कत नहीं। परिवार में जो बात होती है उस हिसाब से निर्णय उन्होंने लिया, पार्टी के इतना निर्णय लिया। ये एक बात बताइए, आप जो तो पटाक्षेप हो गया, 57 साल की उम्र हो गई है सुधांशु दत्त द्विवेदी की, तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा से काम किया, आपके साथ आपकी तरह विद्यार्थी पद काम किया, कार्यकर्ताओं को हासिल क्या होता है पार्टी में आती है? क्यों काम करें आपकी पार्टी में कार्यकर्ता? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो तो वक्त की बात होती है और अभी आपने देखा हमारी पार्टी में गोविंद जी राष्ट्रीय वो जो है राष्ट्रपति बन गए, इसलिए यहाँ तो वो जब जैसी स्थिति आती है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का ध्यान रखा जाता है और हो सकता है इससे ऊपर का कोई पद उनको मिले। कंपिल में दावेदार बहुत ज़्यादा थे और इसलिए जिसकी जीतने की स्थिति हो उसको दिया जाए, इसलिए ये तय किया गया। अंत तक लास्ट तक ये तय नहीं हो पाया, सब आपस में थोड़ा सा ये रहा किसको दिया जाए और सिंबल के टाइम पे थोड़ा सा लेट हो गई, इसलिए सिंबल नहीं मिल पाया। 17 जो है नाम निर्देशन पत्र पहले जमा हुए थे और आज जो है 3 जो है नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हो चुके हैं वापसी के लिए, जिसमें आभा सिंह है, कृष्ण कन्हैया सक्सेना और सुधांशु दास, तीनों ये निर्दलीय उम्मीदवार थे। इन तीनों लोगों ने आज प्रारूप 11 भर के अपना नाम वापसी दे दिया। कितने उम्मीदवार रहे? अब कुल 14 उम्मीदवार रहे।